नमस्कार मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं पारिवारिक सुख, कुटुंब का सुख। कुटुंब का सुख कैसे होता है? जैसे हमने पिछले वीडियो में माता पिता ब्रदर सिस्टर बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट देखे, ज्वाइंट फैमिली का आज देखने जा रहे हैं कि कैसे परिवार ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में, और कैसे आपकी कुंडली में विभक्त कुटुंब का योग लिखा है, मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली, जहां आप अपने ही परिवार में रहेंगे, मतलब आप अपनी पत्नी और आपके बच्चे। सो हमारी हिंदू परंपरा के हिसाब से हम तो ज्वाइंट फैमिली में ही मानते थे, हिंदू अविभक्त परिवार, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कर्ता के नाम से जानते थे। तो कैसे कुंडली से जाना जाए कि जातक की कुंडली में संयुक्त परिवार का योग है कि ये परिवार से दूर रहेगा, जातक को स्वयं परिवार का सुख कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम आज देखने जा रहे हैं कौटुंबिक सुख, क्या जातक को परिवार का सुख है, नहीं है, संयुक्त परिवार है या तो विभक्त परिवार में उसका योग लिखा हुआ। इसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले जरूरी होता है गुरु। गुरु है वो संयुक्त परिवार का कारक है। ज्वाइंट फैमिली अगर आप देखना चाहते हैं तो गुरु सबसे ही महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु है जो सबको जोड़ के रखता है। गुरु का मतलब होता है दायित्व, ड्यूटी, लोगों का क्या फर्ज है। फर्ज जो है, जैसे एक सैनिक का फर्ज होता है, एक माता का फर्ज होता है, एक पिता का फर्ज होता है, बच्चों का फर्ज होता है, ऐसे गुरु फर्ज होता है। किस तरह से हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे वो फर्ज की बात गुरु बताता है। सो गुरु आप देखिए जिस भाव में कारक होता है उस भाव में आपको सिखाता है कि आपकी इस व्यक्ति के साथ क्या फर्ज है, आपकी क्या ड्यूटी है। देखिए दूसरे भाव में वो पूर्ण परिवार से आपका क्या नाता है, क्या आपकी जवाबदारी है वो बताता है। पंचम भाव में वो आपके संतानों से आपकी क्या जवाबदारी है, आपकी क्या उत्तरदायित्व है, क्या जवाबदारी है वो बताता है। सेकेंड पांचवें भाव से, सातवें भाव से बताता है कि आपका पत्नी के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, आपके भागीदार के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका क्या फर्ज और दायित्व है। और नवे भाव में आपका धर्म के साथ, क्योंकि नवा भाव धर्म का होता है, धर्म के साथ आपका क्या होना चाहिए व्यवहार, तो वो आपको सातवां भाव नवा भाव दिखाता है। और ग्यारहवें भाव में आपका मित्रों की तरफ का क्या दायित्व है, वो आपको फर्ज, आपकी क्या फर्ज है वो आपको ग्यारहवें भाव से बताता है। सो इस तरह से गुरु है वो हमें हमारा दायित्व दिखाता है, हमारी क्या फर्ज है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी क्या है वो हमें बताता है। सो संयुक्त परिवार का कारक गुरु है और विभक्त परिवार का कारक राहु है। यदि आपके किसी के भी कुंडली में राहु बहुत ज्यादा बलवान है तो ये व्यक्ति कुटुंब के साथ नहीं रह सकता, ये संयुक्त परिवार में रहने के लिए नहीं पैदा हुआ, ये अपने परिवार में रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को हर वक्त अपने परिवार से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए ताकि परिवार भी शांतिपूर्वक रहे, खुद भी शांतिपूर्वक रहे और परिवार से संबंध अच्छे रहे। इसके लिए तो संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली का कारक गुरु है और विभक्त यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का कारक राहु है, राइट। उसके बाद आपको देखना है आपका द्वितीय भाव, जो दूसरा भाव होता है वो परिवार, एक पूर्ण परिवार के रूप में देखा जाता है, जिसमें ना कोई ना किसी को नाम दिया जाता है, माता पिता कुछ भी नहीं, पूर्ण परिवार जो आपका लहू के संबंध से बनता है, जो आपके ब्लड रिलेशन से बनता है, जो एक प्राथमिक परिवार होता है, भाई बहन माता पिता ये सब प्राथमिक परिवार में आते हैं, ये सारे दूसरे भाव से देखे जाते हैं। तो आपको संयुक्त परिवार में कैसे योग है, पूर्ण परिवार का योग है कि नहीं, वो आपको दूसरे भाव से देखना चाहिए। हर एक ग्रह अलग अलग संबंध को दिखाता है, वो हम बाद में देखेंगे, पर एज अ पूर्ण परिवार आपको दूसरा भाव देखना है, दूसरे भाव का मालिक देखना है। दूसरा भाव आपको दिखाता है कि किस तरह का परिवार आपको मिलेगा और गुरु बताता है कि परिवार से सुख कैसे मिलेगा। तो दूसरा भाव और दूसरे भाव का स्वामी, यदि दूसरे भाव का स्वामी आपका दूसरे भाव को देख रहा है तो आपको परिवार का सुख ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो दूसरा भाव भी आपको देखना है, दूसरे भाव का स्वामी देखना है। आप देखना है कि दूसरे भाव में क्या ग्रह बैठे हुए, यदि शुभ ग्रह बैठे हैं जैसे सूर्य है, चंद्र है, बुध है, मंगल है, ये शुक्र है, ये सारे शुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो आप परिवार के साथ अच्छा संबंध बिताएंगे। यदि गुरु बैठा है, क्योंकि गुरु इस भाव का कारक होता है तो अच्छा फल नहीं देता है, गुरु बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है या केतु बैठा है तो आपको परिवार का सुख नहीं देगा,
परिवार होते हुए भी आप अपने आप को उनसे अलग कर देंगे या वो आपको अलग कर सकते हैं, जिस तरह से आपकी दशा चलेगी। सो दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रहों का भी उतना ही महत्व है। इसके साथ साथ हमें देखेंगे नवमांश में किस तरह से आपकी ग्रहों की स्थिति है। नवमांश में आपकी जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का कारक गुरु है, ये दोनों ग्रह को आपको नवमांश में देखना है कि इनकी स्थिति कैसी है। कैसे देखना है वो नवमांश के वीडियो में मैंने बताया है। और देखना है आपका दूसरा भाव नवमांश का, D9 का आपका दूसरा भाव कैसा बैठा हुआ है, क्योंकि जो आपकी कुंडली का दूसरा भाव है वो तो बताता है परिवार बाहर से कैसा है। जो लोग बाहर से देखते हैं कि आपका परिवार बड़ा है, यह है, ये सब दूसरे भाव से, कुंडली के दूसरे भाव से, जन्म कुंडली के दूसरे भाव से होता है। नवांश कुंडली के दूसरे भाव से आपको पता चलता है कि जातक का आंतरिक कुटुंब का सुख कैसा है। सो नवांश के दूसरे भाव को भी देखेंगे और नवांश के दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है, तो उस तरह से आपको आंतरिक तौर पर आपके परिवार का सुख कैसा मिलने वाला है वो आपको पता चलेगा। सो हमने देखा गुरु देखना है, राहु देखना है, दूसरे भाव को देखना है, दूसरे भाव के स्वामी को देखना है, और दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना है और नवमांश के दूसरे भाव को देखना है। इससे हम तय कर पाएंगे कि परिवार का सुख कैसा है। साथ साथ में हमें देखना है गुरु के साथ अन्य ग्रहों का संबंध कैसा है। या तो ये गुरु के साथ में बैठे हुए या गुरु के ऊपर दोनों की परस्पर दृष्टि है तो गुरु इससे प्रभावित होता है। अब जैसे देखिए गुरु और सूर्य, आप सूर्य के साथ बैठा हुआ था, आपको देखना है कि यह ग्रह अस्त का तो नहीं है। यदि अस्त का है तो वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि सूर्य यदि गुरु को अस्त कर देता है तो परिवार होता है पर परिवार से कुछ सुख प्राप्त नहीं होता है। उसके अलावा यदि सूर्य और गुरु साथ में बैठा है तो हर बार ये व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ा रहेगा, इसको परिवार का बहुत आकर्षण है और परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए ये तैयार होगा, या ये परिवार का मुखिया होगा। जैसे हम कर्ता कहते हैं HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जिसे हम कर्ता कहते हैं, जिसको विरासत मिलती है, तो ये सारे गुरु सूर्य में आते हैं। हाँ थोड़ा बहुत ईगो जरूर रहता है, थोड़ा अभिमान रहता है, सूर्य है इसलिए अभिमान तो आएगा ही। तो मैं कर रहा हूं, मैं परिवार को जोड़ के रहा हूं, ऐसे थोड़े अभिमान होता है, थोड़ा अहंकार होता है और थोड़ा डोमिनेशन भी होता है सूर्य गुरु में। पर संयुक्त परिवार में रहते हैं, सब जुड़ के रहते हैं। गुरु गुरु के साथ चंद्र हो तो ये एक भावुक परिवार है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत भावुकता से जुड़े हुए, बहुत इमोशनली अटैचमेंट है और बहुत जल्दी ये लोग एक दूसरे से बुरा भी मान लेते हैं। सो इसलिए ऐसा अगर चंद्र गुरु है, जैसे हम गज के श्री योग भी कहते हैं, ऐसे समय में आपको ये भी देखना है कि लोगों का एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शन रहता है, अट्रैक्शन रहता है और बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत अपेक्षा भी रखते हैं और यदि ना पूर्ण हुई तो मानसिक तौर पे दुखी भी रहते हैं। तो चंद्र गुरु का ये प्रभाव है। चंद्र गुरु और मंगल, यदि गुरु मंगल है साथ में तो इसे डिस्प्यूटेड फैमिली कहते हैं, विवादास्पद परिवार। शायद साथ में रहते और झगड़ते ही रहते, हर बार कोई ना कोई चीजों के लिए, हर एक चीज के लिए एक इश्यू बना देते हैं, कोई चीजों में एक मत नहीं होते, हर बार अपना मत, सब लोग अपना मत रखने की कोशिश करते हैं और डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको विवादास्पद परिवार या तो डिस्प्यूटेड फैमिली भी कह सकते हैं। गुरु और बुध साथ में है, गुरु के साथ यदि बुध है या तो दृष्टि कर रहा है तो परिवार बहुत इंटेलिजेंट होगा, परिवार में सारे लोग बहुत ही बुद्धि के स्तर पे बहुत ही बुद्धिशाली होंगे। आप देखते हैं कि बहुत से टाइम पे एक परिवार में सारे लोग डॉक्टर होते हैं, सारे लोग वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बहुत पढ़े हुए रहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ये बुध और गुरु का है, इनके बीच में इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट होती है। ये आर्ग्यूमेंट और विवाद के बीच में यही फर्क है, विवाद का मतलब होता है एक मांगता है दूसरा नहीं देता है, डिस्प्यूट उसे कहते हैं, और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ सिद्धांतिक मतभेद होते हैं, पर ये साथ में ही जुड़ के रहता है, सब अपने अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करते हैं, ये होता है बुध और गुरु। यदि गुरु स्वयं अकेला है तो परिवार अपने आप चलने वाले में से होगा, इसमें कोई चला नहीं रहा है, कोई ज्यादा काम नहीं कर रहा है, कोई कम काम नहीं कर रहा है, यदि गुरु अकेला हो तो, क्योंकि गुरु अकेला भी देखना चाहिए, तो आपका परिवार संयुक्त है, साथ में चल रहा है, सब अपने अपने फर्ज निभा रहे हैं, फर्ज को निभा रहे, सब अपने अपने कार्य को कर रहे। यदि शुक्र के साथ है, गुरु और शुक्र साथ में है, तो इसे कहा जाता है कि बहुत ही वेल्दी परिवार है, बहुत ही समृद्ध परिवार है, और बट यहाँ ये होता है कि थोड़े बहुत स्वार्थी लोग होते हैं परिवार में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थ होते हैं, जो अपना ही
कार्य करवाते रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कुछ हद तक जा सकते हैं। यह आपका गुरु और शुक्र का व्यवहार हो गया, क्योंकि शुक्र समृद्धि, पैसा, नाम, ये सब बहुत देता है, बहुत वेल्थ देता है, बट सेल्फिशनेस भी होता है, यहाँ स्वार्थीपना भी होता है। यदि गुरु और शनि साथ में है तो आपके परिवार में एंसेस्ट्रल बहुत है, आपके परिवार में सॉरी पूर्व आपके जो क्या कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारे बहुत है। घर में बहुत सारे ओल्ड लोग भी मौजूद है और उनका ब्लेसिंग मिलता रहता है। वेल्दी होते हैं, बहुत समृद्ध होते हैं, नामी परिवार होता है, बहुत लोगों ने अच्छा कार्य किया होता है परिवार में, बट यहाँ पे पाया जाता है कि ऑर्थोडॉक्स होता है। गुरु शनि हर वक्त ऑर्थोडॉक्स और अपनी बिलीफ पे चलता है, इसलिए इसको आध्यात्मिक योग कहते हैं। लोगों का अपना मान्यता होती है, सो अपनी मान्यता वाले और थोड़े किस्म के ऑर्थोडॉक्स अपने विचारों में और वर्तन में परिवर्तन ज्यादा नहीं करने वाले लोग आपको यहाँ गुरु शनि में मिलेंगे। यदि गुरु राहु साथ है तो ये चंडाल योग है। मैंने चंडाल योग का वीडियो भी किया है जिसमें कहा है कि ये एंटी सोशल, समाज के खिलाफ, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, ये समाज से अलग ही रहते हैं। इसलिए गुरु राहु साथ में है तो आपका परिवार यदि साथ में है तो झगड़ता रहता है। एक ही परिवार में मैंने देखा है, गुरु राहु वाले लोगों के परिवार में एक ही परिवार रहता है। बाहर से हम जानते कि अरे सब लोग साथ में ही है, पर सब लोग दिखाने के लिए साथ में, बाकी सब अपने अपने कमरे में होते हैं। मैंने यहां तक देखा है एक ही किचन में तीन प्लेटफॉर्म होते हैं और तीनों लोग अपना अपना चूल्हा अलग से जलाते हैं। सबका टाइमिंग होता है, ये सुबह 6 से 8 में पकाएगा, ये 8 से 10 में पकाएगा, ये 9 से 11 में पकाएगा, इस तरह से ताकि विवाद ना हो। बाहर से देखने में परिवार एक ही है पर अंदर से किसी का किसी से मेल नहीं है। ये गुरु राहु होता है, चंडाल योग होता है, चाहे गुरु केतु भी हो तो परिवार का सुख नहीं देता है और व्यक्ति परिवार से हर वक्त डिटेच रहता है, अलग रहता है और अपना अपना कार्य करता रहता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति के कारक का हिसाब से आपको कुटुंब का कैसे सुख है। जैसे कि सूर्य को हम मानते हैं पिता का कारक, सो सूर्य यदि शुभ भाव में बैठा है, शुभ दृष्टि में बैठा है, उच्च का बैठा है, स्वग्रह बैठा है, कुंडली में कहीं भी शुभ योग करके बैठा है तो आपको पिता से व्यवहार अच्छा होगा। चंद्र है वो माता है, चंद्र अगर अच्छा है, अगर ये सारे ग्रह अस्त के हैं, नीच राशि में बैठे, अशुभ ग्रह के साथ दृष्ट है, तो आपको इन व्यक्तियों के साथ सुख नहीं मिलेगा। परिवार के अन्य लोग से सुख रहेगा पर इन व्यक्ति जिनके साथ आपका ग्रह अच्छा नहीं है उनसे परिवार में आपका सुख नहीं रहेगा। सो सूर्य होता है वो पिता के लिए, चंद्र होता है वो माता के लिए, मंगल होता है वो भाई के लिए होता है। हम भाई बहन का साथ में ही देते पर मुख्यत्व मंगल भाइयों को बनाता है, भाई का योग बनाता है। बुध है जो आपको सिस्टर का मतलब के बहन का योग देता है, क्योंकि आपकी बहन आप देखिए बहुत बोलती रहती है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, या तो बहुत इंटेलिजेंट होती है और आपको हर बार अच्छे सुझाव या वो देते हैं। सो बहन के लिए आपको बुध देखना चाहिए कि बुध किस तरह से है। गुरु आपके परिवार में पति का रोल निभाता है, तो स्त्रियों के लिए हम जैसे देखते हैं गुरु मतलब पति और साथ साथ में जो रिलेटिव है आपके, मैटरनल रिलेशन मंगल से होते हैं इसलिए छठे भाव में मंगल मैटरनल अंकल का है और पैटर्नल अंकल गुरु साइड। सो जो भी पैटर्नल साइड है जिसको हम काका चाचा ये सब कहते हैं वो सारे गुरु में आते हैं और जिसको मामा और मौसी कहते हैं वो सारे आते हैं मंगल की तरफ। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका गुरु होता है वो आप पति का भी कारक होता है स्त्रियों की कुंडली में और काका चाचा और पैटर्नल साइड में जो संबंध होते हैं फूफा जैसे कहते हैं ये सारे गुरु में आते हैं। शुक्र में आती है आपकी पत्नी, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है तो शुक्र पत्नी में आते हैं। शनि है वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, आपके दादा दादी नाना नानी और ग्रेट ग्रैंडफादर है तो भी वो सारे शनि में आते हैं जो जीवित है। सारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है जो आपके वडिल जिसको हम कहते हैं वो शनि में आते हैं और सारे एंसेस्ट्रल जो अभी नहीं है जैसे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर नाना के नाना दादा के दादा ये सारे नहीं है पर फिर भी घर में उनकी वजह से नाम है प्रतिष्ठा है चाहे उनका घर आप रह रहे आपके पूर्वजों के बने हुए। सो जो पूर्वज है वो राहु में आते हैं इसलिए हम पितृ दोष को राहु में मानते हैं। सो जो एंसेस्ट्रल है जो अब नहीं रहे हैं जो छोड़ के चले गए हैं स्वर्गवासी हो चुके ये सारे राहु में या केतु में आते हैं। सो सूर्य पिता, चंद्र माता, मंगल भ्रातृ मतलब भाई का, बुध बहन का, गुरु पति का और साथ में सारे अन्य परिवारजनों का,
शुक्र पत्नी का, शनि आपके दादा दादी नाना नानी का और वडील जो है, और राहु वो एंसेस्टर का होता है। इन ग्रह जब ये सारे ग्रह यदि पाप ग्रह के साथ बैठे, अस्त के बैठे हैं या पाप ग्रह की दृष्टि में, तो ये सारे लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। सो इस तरह से आपको माता और पिता का और कुटुंब का पूर्ण सुख प्राप्त कैसे होगा नहीं होगा वो पता चलता है। अब यहाँ पे पूर्व और पश्चिम की संस्कृति का भी कुछ व्यवहार आप देख लीजिए। पूर्व में सूर्य, मंगल और गुरु, ये पूर्व में, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह, ये सारे पूर्व में बलवान मानते, इसलिए ही पूर्व की संस्कृति में, अगर आप मध्य विश्व को देखें तो विश्व की पूर्व के ओर की जो संस्कृति है, या पूर्व के ओर के जो भारत है या चाइना है या ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड है, वहां पे सूर्य, मंगल और गुरु, मतलब कि आपके वहां पे पिता का, भाई का और संयुक्त परिवार का ज्यादा योग होता है। पश्चिम की ओर आपका शुक्र, बुध और शनि होता है, इसलिए वहां पे स्त्रियों पे ज्यादा, और सुख के ऊपर, पत्नी के ऊपर, गर्लफ्रेंड के ऊपर, गर्लफ्रेंड भी शुक्र में आती है जो आपकी स्त्री मित्र होती है उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव होता है। तो गर्लफ्रेंड है, बहने हैं, बहने बहनों में अच्छा रिलेशन होता है, और शनि मतलब के दादा दादी ये सब के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभाव होता है। सो इस हिसाब से, और चंद्र जो है वो पूर्व और पश्चिम दोनों में, क्योंकि कभी जो चंद्र पूर्व में से कभी पश्चिम में से भी आता है। सो ये माता है वो हर जगह, मातृ पूज्यते सर्वत्र, माता का पूजन सब दुनिया में सभी जगह पे होता है। सो इस हिसाब से पूर्व और पश्चिम संस्कृति को भी हम देख सकते हैं कि पूर्व में पिता का, भाइयों का और पूर्ण परिवार का या पति का ज्यादा प्रभाव होता है, और पश्चिम की ओर जो दामाद जो है वो भी गुरु में आता है, और जो पश्चिम की ओर है वो पश्चिम की ओर ज्यादा स्त्री मित्र का, फीमेल फ्रेंड्स का, पत्नी का, गर्लफ्रेंड का, बहनों बहनों का और वडिलों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है परिवार में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि परिवार का सुख किस तरह से होता है, आपको परिवार से लाभ है कि नहीं है, और आपको यदि आपकी कुंडली में परिवार से लाभ नहीं है, क्योंकि दूसरे भाव में परिवार भी आता है और पैसा भी आता है। बहुतों की कुंडली में मैंने देखा है कि परिवार होता है तो पैसा नहीं होता है, और पैसा कमाने जाओ तो परिवार छोड़ना पड़ता है। तो ये जब पाप ग्रह शनि, राहु, केतु और गुरु हो दूसरे भाव में, तो मैं कहता हूं कि आप कोई एक चीज को चुने, या परिवार के साथ रहे तो कंप्लेन ना करके मेरे पास पैसा नहीं बचा, और यदि पैसा कमाना है तो ये मत बोलिए कि मुझे परिवार का सुख नहीं मिला, क्योंकि एक समय पे मेरा गोल्डन प्रिंसिपल है, एक भाव से एक समय पे एक ही परिणाम मिलता है। इस हिसाब से आप जानकारी ले सकते हैं। सो इसी के साथ ये आज का जो ये विषय है वो मैं यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। यदि कोई आपको जानकारी या सुझाव है तो ये नीचे आप दिए गए बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डीएम एस्ट्रोलॉजी, मार्गदर्शन के लिए आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं dmastrology1@gmail.com, और अन्य विषयों के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा फेसबुक पेज में डीएम एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता पे आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहेंगे तो आगे और भी वीडियो मैं बनाता रहूंगा। धन्यवाद, आभार सुनने के लिए, नमस्कार।